अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ असमत सैयद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुगलई एग पराठा बनाने की रेसिपी। बहुत ही झटपट बनने वाली और आसान रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगलई एग पराठा बनाने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे में ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और आधा कप पानी लेंगे इसे गूंदने के लिए। और इसका पराठे के जैसा डो बनाएंगे, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इसका आटा गूंदने में तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम ही पानी यूज़ हुआ है। आटा हमने गूंद लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, यानी ये ऊपर से सूखे नहीं। और इसको ढक कर रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इस दौरान हम दूसरी तैयारी करेंगे। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें तोड़ेंगे 3 अंडे। और इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट काट कर डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है बीज हटाकर। थोड़ी सी पत्ता गोभी डाली है बारीक काट कर। और इसी के साथ ही गाजर, जिसे मैंने छोटे साइज़ में ग्रेट किया है। इसी के साथ हरा धनिया डाल देंगे और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर दें। और नमक 1 छोटा चम्मच डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, आप ये भी अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद हो। आधा चाय का चम्मच डालेंगे चाट मसाले का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर। अच्छे से इन सबको फेंट लेंगे। अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए, अब हम इसमें से पेड़े काट लेते हैं। इतने आटे में तकरीबन 6 पराठे बनकर तैयार होंगे और इसका हमें बना लेना है पेड़ा इस तरह से। अब हम अपनी रोलिंग सरफेस पर सूखा हुआ आटा डस्ट करेंगे और इसको हाथों से बढ़ा लेंगे पहले, फिर हम इसको बेलेंगे। हमें इसको इतना बेलना है कि ये बिल्कुल पतला हो जाए। मैक्सिमम इसको बेल लीजिएगा जितना आप बेल सकते हैं। अब इसके सेंटर में 1/4 कप मैं रख रही हूँ अंडे का मिक्सचर और इसको फोल्ड कर देंगे हल्का हल्का सा। इसको हाथों से प्रेस भी कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए, खुले नहीं। और उधर मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब चूल्हे की आँच को लो टू मीडियम कर देंगे और एहतियात से इसको उठाकर तेल में डाल देना है। अब चूल्हे की आंच को हल्का कर देंगे, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर पराठे को स्लोली कुक करना है, क्योंकि पराठे के अंदर जो अंडा है उसको भी पकाना है। अगर हम इसको तेज़ फ्लेम पर पका लेंगे तो बाहर से तो ये क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से अंडा कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा सा स्लोली इसको हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो अंडा है, जो हमने अंडे का मिक्सचर भरा है, वो भी अच्छे से पक जाए और हमारा पराठा भी गोल्डन क्रिस्प हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं फ्राई करने में। इसी सेम मेथड से हमें बाकी के पराठे भी फ्राई कर लेना है। बस इन पराठों को फ्राई करते वक्त फ्लेम का ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पर इनको नहीं पकाना, वरना बाहर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से अंडे कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारे मुगलई पराठे बनकर तैयार हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। और अब मैं कट करके दिखाती हूँ, अंडा भी अंदर से अच्छे से कुक हुआ है, ये देखिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपनी पसंद की चटनी या सॉस से इसे सर्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।